हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू विद अनदर वीडियो तो दिस इज दी एमसीक्यू सीरीज व्हिच वी हैव स्टार्टेड एंड दिस इज पार्ट थ्री सो बहुत सारे एनसीक्यूज को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो आपके कॉमर्स पेपर टू से रिलेटेड होंगे तो दिस आर दि एम सीक्यूज विच रिलेट्स टू द बेसिक्स ऑफ द टॉपिक तो जिसके बेसिस पे आपके बहुत सारे बेसिक्स जो चैप्टर से रिलेटेड है वो रिवाइज होते रहेंगे तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले नोटिफिकेशन टाइम टू तो टाइम आपको मिलते रहे क्वेश्चन नंबर से देख शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है डैश ट्राइज टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉस्ट ऑफ मेंट्रीज वेयर हाउस मैनेजमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज के बारे में बात कर रहा है कि कस्टमर के सैटिस्फेक्शन का और जो हमारे इन्वेंट्रीज होते हैं उसके कॉस्ट का ये जो बैलेंस मेंटेन होता है इसको हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो इन्वेंट्रीज का मतलब होता है आपका स्टॉक दैट इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ई कॉमर्स से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ ई कॉमर्स तो आपने देखा होगा ई कॉमर्स में बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस टू गवर्नमेंट ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ई e कॉमर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए है तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ ई कॉमर्स तो इनमें से ई e कॉमर्स का कौन सा टाइप नहीं है बिजनेस टू बिजनेस दैट इज बी टू बी बिजनेस टू गवर्नमेंट दैट इज बी टू जी बिजनेस टू कंज्यूमर दैट इज बी टू सी और बिजनेस टू ए ऐसा कोई भी पार्ट हमने अभी तक पढ़ा नहीं है तो राइट right आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिकॉज हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ई e कॉमर्स का टाइप नहीं है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं डैश इनवॉल्व लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ लिमिटेड मार्केट तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो वो हम डायरेक्टली लॉन्च नहीं करते पहले हम एक छोटे मार्केट के ऊपर उसका टेस्ट करते हैं अगर छोटे मार्केट के कस्टमर्स जो है या कंज्यूमर्स जो है वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होंगे तो हम उसे ग्लोबल लेवल पर नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च करने का सोच सकते हैं तो इसको क्या कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च टेस्ट मार्केटिंग सर्विस मार्केटिंग या सर्विस कंसेप्ट या डिजायर सर्विस तो उसको हम क्या कहते हैं वी आर डूइंग द टेस्ट मार्केटिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं हम टेस्टिंग कर रहे हैं हम एक स्पेसिफिक कस्टमर के प्रेफरेंसेस कस्टमर्स के लाइक्स कस्टमर्स के डिसलाइक्स के बेसिस पे एक प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और वो अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो हम आगे लिमिटेड मार्केट से हम आगे के मार्केट के बारे में सोच सकते हैं तो दैट इज दी राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन टेस्ट मार्केटिंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं डैश कार्ड फैसिलिटेट्स विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बैंक अकाउंट एनी टाइम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आई होप कि आपको इसका ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मनी कार्ड या प्लेटिनम कार्ड तो अगर हमें पैसे विड्रॉ करने हैं बैंक बैंक से तो हमें बैंक एक कार्ड प्रोवाइड करती है और वो कार्ड सभी को पता है दैट इज कॉल्ड एज डेबिट कार्ड जिसको हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं बट एक्चुअली दैट इज अ डेबिट कार्ड एटीएम मशीन में हम डेबिट कार्ड का यूज करते हैं एंड वी आर विड्रॉइंग द कैश फ्रॉम दी बैंक एटीएम तो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ विल बी डेबिट कार्ड कैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग तो हमने दो टाइप के रिटेलिंग के बारे में डिस्कस किया था नंबर वन ऑर्गेनाइज रिटेलिंग और नंबर सेकेंड है आपका अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग ऑर्गेइज रिटेलिंग मतलब ये जो बड़े बड़े मॉल्स है हाइपर मार्केट्स है डिपार्टमेंटल स्टोर्स है डी मार्ट है बिग बाज़ार है तो बेसिकली दैट इज ऑर्गेनाइज रिटेलिंग और अगर हम अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग की बात करें तो जो हमारे लोकल वेंडर्स होते हैं जो हमारे छोटे छोटे शॉप्स होते हैं रास्ते पे जो हॉकर्स एंड पेडलर्स रहते हैं जो बैठते हैं बेसिकली वेजिटेबल सेल करने के लिए ऑल दिस पॉइंट्स आर कॉन्टीट्यूटिंग यूर कंसेप्ट ऑफ अनऑर्गनाइज रिटेलिंग बट यहां पर बोल रहा है कि एग्जाम्पल अन ऑर्गेनाइज का कौन सा है मॉल्स हाइपर मार्केट्स डिपार्टमेंटल स्टोर या लोकल किराइट आंसर बनेगा लोकल किराना शॉप इज द एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग नेक्स्ट पॉइंट डैश फेसिलिटेट ट्रांजेक्शन ऑफ रिकरेंट ट्रेड एक्सचेंजेस बिटवीन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है में जो ट्रांजैक्शंस का ट्रेड होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है वो किस बेस पे होगा ईडीआई डीईआई ईआरपी या टीआरपी तो इसका राइट right आंसर है आपका ईडीआई दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फुल फॉर्म क्या है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में KPO involves offshoring of dash intensive business process. देखो KPO का फुल है तो आप इसका सही नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग तो नॉलेज प्रोसेस तो, तो क्या किस चीज के बारे में KPO रिलेट करता है नॉलेज के बारे में रिलेट करता है तो ऑप्शन नंबर टू आपका सही उत्तर बनेगा दैट इज नॉलेज फर्दर फॉलोइंग टाइप ऑफ रिटेलिंग फॉर्मेट हैज लो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो इनमें से कौन सा ऐसा रिटेलिंग फॉर्मेट है जिसमें कॉस्ट जो होती है ऑपरेटिंग जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम है तो हमेशा अगर हम देखें तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा किसमें होती है मॉल में होती है तो मॉल कौन से टाइप का है वो ऑर्गेनाइज है लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिटेलिंग फॉर्मेट हैज लो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो लो ऑपरेटिंग कॉस्ट किसमें होगा लो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑब्वियसली जो तो छोटा प्रोडक्ट बेचने वाला है छोटा लेवल पे डील करने वाला बंदा है दैट इज कॉल्ड एज अन ऑर्गेनाइज रिटेलिंग तो अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग वी आर हैविंग द लो ऑपरेटिंग कॉस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश अ मॉल रेफर्स टू अलॉटिंग फ्लोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी तो मॉल में आपने देखा होगा फ्लोर्स को उसके कैटेगरी के बेसिस पे अलॉट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं जोनिंग प्रमोटिंग मैनेजिंग या रीकन्स्ट्रक्टिंग तो इस सिंपल सेंटेंस में याद रखना उसको हम कर, कहते हैं जोनिंग बिकॉज वो हम डिफरेंट डिफरेंट जोनस को प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरस के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बेसिस पे अलॉटमेंट होता है तो जोनिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं डैश रिसर्च इज यूज टू सॉल्व स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम्स तो आपके जो मार्केटिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं आपके मार्केटिंग में जितने भी डिफिकल्टीज आपको आती है जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनमें से कौन सा स्पेसिफिक मार्केटिंग टेक्निक यूज होता है अप्लाइड रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च इंडक्टिव रिसर्च या मार्केटिंग रिसर्च बहुत सिंपल है तो इसका आंसर है अप्लाइड रिसर्च हम जब मार्केटिंग के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हम अप्लाइड रिसर्च का यूज करके वो स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं तो दीज आर द टेन क्वेश्चन वी हैव डिस्कस आई होप दिस क्वेश्चन आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू वी हैव रिवाइज मेनी कंसेप्ट तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिविजन विद बहुत सारे पी डी एफ्स बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको वहां पर फ्री में मिलते रहेंगे और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन एज ऑलवेज वर्क हार्डर पीस मार्डर